हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवंबर की 25 तारीख है और इस वीडियो में क्राइसेंथेमम या गुलदावरी के प्लांट को गमले में ग्रो करने की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। गुलदावरी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जो पूरे साल आपके गार्डन में ग्रो हो जाता है, लेकिन इसका जो मेन ग्रोइंग सीजन रहता है वो नवंबर से लेकर लगभग मार्च के महीने तक का रहता है। इसी ड्यूरेशन में इस पर फ्लावरिंग होती है। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है, इस पर फूल आना भी कम हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी मई के महीने भी इसकी कुछ वैरायटी में फ्लावरिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर वैरायटी के पौधों में सर्दियों में ही फूल आते हैं। सबसे पहले इस प्लांट की लोकेशन की बात करते हैं। गुलदावरी के पौधों को अपनी एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए दिन भर में लगभग 6 घंटों की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप इन प्लांट को अपने गार्डन की ऐसी जगह पर ग्रो करें जहाँ पर इसे दिन भर में लगभग 6 घंटों की धूप मिल जाए, क्योंकि इस तरह के पौधों को अपनी एक अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आपने इन प्लांट को कम धूप वाली जगह पर रखा हुआ है तो उनकी ग्रोथ तो ठीक रहेगी पर उस पर फूल कम आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके गार्डन में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर दिन भर की धूप नहीं रहती हो, तो इसकी सॉइल में आपको लगभग 2 ग्राम के आसपास पोटास हर महीने ऐड करना होगा, जिससे कम धूप वाली जगह पर भी इस प्लांट पर आपको ढेर फूल मिलेंगे। मैंने जितने भी प्लांट ग्रो किए हैं ये सभी इसकी छोटी हाइट वाले पौधे हैं। छोटी हाइट वाले पौधों को ग्रो करने का सबसे अच्छा फायदा यह रहता है, इनकी फ्लावरिंग स्पेंट होने के बाद अगर इसके स्पेंट फूलों को कट कर दिया जाए तो कुछ ही दिनों के बाद इन पर दोबारा से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपको ये प्लांट नर्सरी में लगभग 8 से 10 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे परचेज कर सकते हैं। इसके फूल एक बार खिलने के बाद लगभग 20 से 30 दिनों तक प्लांट पर बने रहते हैं। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो इस प्लांट पर आप ऑर्गेनिक या फिर केमिकल किसी भी फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जरबेरा जैसे पौधों की तरह सेंसिटिव नहीं होते। इनफैक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस पर केमिकल फर्टिलाइजर का असर मुझे ज़्यादा ठीक लगा। मैंने इनकी सॉइल में नवंबर की स्टार्टिंग में कुछ दाने DAP के और लगभग 1 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट को मिलाया था और इन दोनों फर्टिलाइजर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। जनरली मैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने तक अपने पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करता, लेकिन नवंबर से लेकर फरवरी के महीने में तेज़ ठंड पड़ती है जिस कारण इस ड्यूरेशन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। इसलिए मैं सर्दियों में अपने पौधों पर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ DAP या फिर NPK जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ भी करता हूँ। फिर भी अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप सीवीड एक्सट्रैक्ट या फिर चाय के पत्तियों के लिक्विड फर्टिलाइजर या केले के छिलकों से बनी खाद का यूज अपने पौधों पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। नर्सरी से लाने के बाद जब भी हम अपने पौधों को रिपॉट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी मिट्टी तैयार करना होता है। सर्दियों के लगभग सभी पौधों की मिट्टी तैयार करने के लिए आप 30% गार्डन सॉइल, 30% नॉर्मल कंपोस्ट, 20% रेत या सैंड और 20% नीम खली को मिलाकर एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। सर्दियों के पौधों की मिट्टी में नीम खली मिलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ठंड के कारण मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर बना रहता है, जिससे पौधों की जड़ों के सड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नीम खली मिलाने से इस तरह की प्रॉब्लम सामने नहीं आती। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप एक गमले में 2 ग्राम के आसपास किसी अच्छे फंजीसाइड पाउडर को भी मिला सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अपने पौधों के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार की है तो इस बात का ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि आपने पौधों को मिट्टी के गमले में लगाया है या फिर प्लास्टिक के। मैंने अपने सभी पौधों को प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किया है और मेरे गार्डन के लगभग सभी पौधे प्लास्टिक के गमले में ही ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर आप पौधों को ग्रो करने की शुरुआत ही कर रहे हैं तो मिट्टी के गमलों से ही शुरुआत कीजिए। बाकी आप इनको तेज़ धूप वाली लोकेशन में ग्रो कीजिए, आपके इन पौधों पर कीड़े लगने जैसी कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर इन पर कम धूप पड़ती है तो इन पौधों पर कलियों के समय इंसेक्ट अटैक की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके लिए जब भी इन पर कलियां बन रही हो उस समय आप पूरे प्लांट पर किसी अच्छे पेस्टिसाइड का यूज जरूर कीजिए। मैंने इनकी कलियों के समय इन पौधों पर इमीडा क्लोरोपिट का स्प्रे किया था, जिससे मेरे सभी पौधों पर हेल्दी और एक ब्राइट फ्लावरिंग हो रही है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में आप नीम ऑयल या गौमूत्र का यूज भी कर सकते हैं। प्रोपगेशन की बात की जाए तो अभी ये प्लांट कटिंग से इजीली तैयार हो जाते हैं। मेरे इस प्लांट की लास्ट ईयर एक ब्रांच गुड़ाई करते समय टूट गई थी और उसे मैंने ऐसे ही इसकी सॉइल में प्लेस कर दिया था।
अभी इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। नर्सरी पर अक्टूबर में इसी मेथड से इसके कई पौधे तैयार किए जाते हैं, जिन पर नवंबर के महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वाटरिंग की बात की जाए तो गुलदावरी के पौधे जनरली तेज़ धूप में ग्रो किए जाते हैं, इसलिए इनकी सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है। मैं अपने इन पौधों में एक दिन छोड़कर पानी देता हूँ, बाकी आप अपने एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही इसको पानी दें। बस इसकी सॉइल को पूरी तरह ड्राई मत होने दीजिए। तो फ्रेंड, ये था सर्दियों के राजा गुलदावरी या क्रैसेंथेमम के प्लांट की केयर को लेकर आज का वीडियो। आई होप कि इस प्लांट को गमले में ग्रो करने को लेकर आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या अपनी ओर से कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।